मंत्री अमित शाह गुजरात रा पीराना माए कचरा सो ऊर्जा बनाबा रा राज्य रा सबू बड़ा संयंत्र रो उद्घाटन करिया। 1000 मैट्रिक टन कचरा सो रोजाना 15 मेगावाट बिजली बनाई जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा सांगानेर माए राख्या दिवाली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करी, कया प्रदेशों चहुमुखी विकास सरकारी प्राथमिकता। प्रदेश में 7 सीटा माथे होबाड़ा विधानसभा उपचुनाव माए कुल 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान माए। दौसा और खीमसर विधानसभा हल्का माए सबू बत्ता 12-12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रिया है। भारतीय रेलवे IRCTC रे जरिए सु नया टिकट बुकिंग नियम आज सु लागू करिया। 60 दिन पहली रिजर्वेशन टिकट बुक पे सकेला। और प्रदेश री 32 ठोरा माथे तापमान माए कमी हो बासु सर्दी रो असर बढ़ो। सबू कम तापमान माउंट आबू माए 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। नमस्कार, समाचार माए आपरो स्वागत है। समाचार आरे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात रा पिराना माए कचरा सू ऊर्जा बनावारा राज्य रा समूह बड़ा संयंत्र रो उद्घाटन करिया। 375 करोड़ रूपयारी लागत सू तैयार यो संयंत्र 1000 मैट्रिक टन कचरा सू रोजाना 15 मेगावाट बिजली बनावेलो। इन संयंत्र सू पिराना माए कचरा री समस्या रो हल काढ़बा माए मदद मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर आ सांगानेर माए राख्या दीपावली स्नेह मिलन समारोह माए शिरकत करी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कया के प्रदेश रो चहुमुखी विकास सरकारी प्राथमिकता है। वणा कया के एक बरस माए 1 लाख युवा ने सरकारी नौकरी दी जावेला। इन कार्य योजना माथे राज्य सरकार काम शुरू कर दी है। इन खातर 2 साल रो कैलेंडर तैयार कर दियो गयो है। और मैं युवाओं से ज्यादा कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। आप युवाओं से कहना चाहते तैयारी करें, पूरी तैयारी करिए। हमने ये भी निकाल दिया कि आपका पेपर कब होगा और हमने ये भी निकाल दिया कि आपका रिजल्ट कौन सी तारीख को आने वाला है। हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हमने वायदा किया है कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो एक बार कहा है वो अब करके रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने 90,000 वैकेंसियां हमने कैबिनेट में पास भी की हैं। आने वाले समय में उनकी भी विज्ञप्ति आने वाली है कि हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है। मैं आपसे पूछता हूं, वो 10 महीने की थी क्या? वो वैकेंसी 10 महीने की थी क्या? 60,000 कितने दिन की थी? अगर 5 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल पहले अगर उस युवा को नौकरी मिल जाती, किसान के मजदूर के बेटे को नौकरी मिल जाती, तो क्या जाता उनका? कितने समय से वैकेंसी खाली थी लेकिन किसी के निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा है मेरे अधिकारियों से, जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी है पूरी निकालिए, हम पूरी तरह से उनको भरेंगे, युवाओं को रोजगार देने का। कई लोग मेरे से कहते हैं कि आप इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं। मैंने कहा निकालता हूं, ये तो सरकारी है, लेकिन प्राइवेट में भी मैंने कहा कि मैं 6 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये 6 लाख तो बहुत कम है, इससे ज्यादा नौकरी हम देंगे। ये राज्य राजस्थान का जो मैं जहां भी जिस कंट्री में गए हैं उसमें हमारा हमको सहयोग मिला है,
हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रवासी राजस्थानी या उद्योगपति हैं, उनका जो हमें समर्थन मिल रहा है, एक अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेशवासियों ने दीपावली की शुभकामनावां देता थका कहा कि यो पर्व आपसी प्रेम और सद्भावना रो त्यौहार है। इन मौके वणा आमजन सु एकजुट होर देश रा विकास में योगदान दे बारी अरज करी। मदन राठौड़ 3 दिन रा पाली दौरा माथे है। इन दौरान वणा आपना घरा माथे आया लोगा ने दीपावली की शुभकामनावां देर मुंह मीठो करवायो। भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और वैसे ये लक्ष्मी का त्यौहार है, तो ये मैं प्रार्थना करूंगा कि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे, समृद्ध हो, संपन्नता आए, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इलाके में शांति, संपन्नता, समन्वय, तालमेल आपस में बना रहे। छोटा मोटा कोई विवाद हुआ है तो उनसे मिलकर के और साथ में बैठकर प्रेम वापिस पैदा करने का ये त्यौहार है। ये सभी को इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। आपस में तालमेल रहे, भाईचारा बने, सभी एकजुट होकर देश के विकास में अपना योगदान दें। प्रदेश में 7 सीटा माथे उबाव वाला विधानसभा उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इन मावे में महिला 59 पुरुष शामिल है। नामांकन आपसी रा अंतिम दिन तक कुल 15 नामांकन वापस लिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि नामांकन री आखिरी तारीख तय 94 नामांकन पत्र पेश कराया गया है, जिनमें 15 नामांकन वापस ले लिया गया है। अबार तई कुल 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दौसा और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सबू 12-12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भारतीय रेलवे IRCTC रे जरिए सो नवा टिकट बुकिंग नियम आसू लागू कर दिया गया है। यो बदलाव 120 दिनारी बुकिंग रा टेम ने कम करियो है। अब 60 दिन पहली रिजर्वेशन टिकट बुक वह सकेला। हालांकि जो यात्री पहले सो टिकट बुक करा दीना है वा माथे यो नियम लागू नहीं वेला। यो नयो नियम बुकिंग प्रक्रिया ने आसान बना वेला। भारतीय रेलवे यात्रिया ने हिदायत दी है कि वे नया नियमारी जानकारी राखे। आज से रेल यात्री केवल 60 दिन पूर्व ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव पहले की 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें, ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में BSF रा जवाना रे सागे दीपावली रो त्यौहार मनाया। इन मौके वणा सीमा सुरक्षा बल रा जवान और एहलकारा ने मिठाई खिलाई। वे कया के BSF रा जवान त्यौहार रे दिन आपरा घराला सु दूर वैर पूरी मुस्तैदी रे सागे आपरी ड्यूटी करिया है। देश रा न्यारा न्यारा हल्का सु आबा वाला जवान आपसी भाईचारा, प्रेम और एकता रो संदेश देवे है। भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है, जैसे आपने कहा आत्मनिर्भर भारत। तो दीपावली के दिन हम सामान खरीदते हैं देव पर्व के लिए, तो हम जो हमारे कारीगर हैं, हमारे जो दीप बनाने वाले लोग हैं, उनसे क्यों नहीं खरीदें? तो वो वोकल फॉर लोकल हो जाता है और इसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलती है। आज मैं यहाँ BSF परिसर में हूँ। दीपावली मनाने के जो ये क्षण हैं, ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण हो जाते हैं, जब जवानों के बीच में आकर के हम दीपावली को मनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये साफ कहना भी है कि कोई मंत्री अगर जवानों के बीच में जाकर के दिवाली मनाता है तो उसका संदेश अलग जाता है। मुझे भी ऐसा महसूस होता है।
आज मैं बीएसएफ परिसर में खड़ा हूँ आपके बीच में, जवानों के बीच में जो दीपावली मनाई उसका अलग ही आनंद। हमारे सीमा प्रहरी अपनी सीमाओं की सुरक्षा में बहुत ही मुस्तैदी और चुस्ती के साथ डटे हुए हैं और अपने देश की सीमा की सुरक्षाओं की सुरक्षा की गारंटी हम आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इससे बड़ा हौसला हमारा बढ़ता है जब कहते हैं भारत सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री हमारे बीच में पधारते हैं और हमारे साथ हमारे जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया के दीपावली रो त्योहार पूरा देश ने एक सूत्र माए पिरोवे है। वणा जोधपुर माए खबर नवीसा सु बातचीत करता थका प्रदेशवासिया ने दीपावली री शुभकामनावा दी। वे कया के वाने भी अयोध्या माए भगवान श्री राम रो मंदिर बना बरे पछे पहली बगत दीपक जलावा रो मौको मिलियो है। हम सब जानते हैं हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है, बोली भाषा की विविधता, खान पान की विविधता, आस्था की विविधता, पूजा पद्धतियों की विविधता, भौगोलिक विविधताएं, लेकिन इन सब विविधताओं के होते हुए भी अनेक एकता के सूत्र भी हैं, जिनमें से एक प्रमुख सूत्र दीपावली का त्यौहार है। पूरा देश और भारतवंशी जहां कहीं भी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो सैकड़ों साल पहले भारत से गए होंगे, आज भी उसी प्रसन्नता और उल्लास के साथ में दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। अब की बार की दीपावली और भी अधिक विशिष्ट दीपावली है, क्योंकि भगवान श्री राम के अपने महल में विराजने के बाद पहली दिवाली देश मना रहे। हम सब के मन में नए संकल्प और विचार प्रकाशित हों, उद्घाटित हों और दीपावली के दीपक हम सब के घर में समृद्धि लेकर के आए। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास और माँ सरस्वती का स्थायी वास हम सब के घर और में हो। हम सब के परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए दिवाली अनूठी दिवाली बने। मान्यता है कि जठे सफाई रहे है वठे लक्ष्मी जी निवास करे है। इन बात ने सार्थक करियो है जयपुरी जाहोता ग्राम पंचायत गांवरा सरपंच श्याम प्रताप सिंह री पहल माथे गांवरा लोग दीपावली माथे वारे घरारे सागे मोहल्लारी गलियारी सफाई कर स्वच्छता रो संदेश दियो। श्याम प्रताप सिंह बताया कि प्रकाश रो त्योहार माने साफ सफाई रागबारी सीख देवे है। दीपावली पर हमारे घरों के अंदर सफाई करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दीपावली को लक्ष्मी जी को अगर आना है तो आना तो रास्तों से है, तो क्या हम हमारे घर के आसपास के रास्तों की भी सफाई कर पा रहे हैं? तो इस बार हम एक नई पहल करते हैं, हमारे घर के अंदर के साथ साथ हम हमारे आने वाले रास्तों के और हमारे जो बाहर है उसको भी हम सफाई करें, ताकि लक्ष्मी जी इस बार दीपावली पर हमारे घरों तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे आंतरिक जो गंदगी हमारे अंदर छुपी हुई है, जो हम स्वयं जानते हैं, उस गंदगी को भी हम साफ करने का प्रयत्न करें और जो भी विचार और विकार जो हमारे अंदर गंदे आते हैं उनको भी हम साफ लेने का इस दिवाली को एक प्रयत्न करते हैं। इसी मुहिम के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। इन सफाई अभियान में गांवरी महिलावां पुरुष और टाबर बढ़ चढ़ भाग लेना। 14 बरस री मिश्का राठौड़ इन मौका माथे सगड़ा लोगा सु घरा और आरे सारे रिठोरा ने साफ राखबारी अरज भी करी। इस बार हमने हमारे घरों को ही नहीं हमारे रास्तों को भी साफ करा है, जिससे लक्ष्मी जी हमारे घर आ सके। और इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर माए दीपावली माथे रोशनी और सजावट देखबा खातर बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी अठे पुगरिया है। शहरी ऐतिहासिक इमारता मंदिरा महला और हवेलियां ने खास रोशनी सु सजायो गयो है। जौहरी बाजार किशनपुल बाजार चांदपुल बाजार एमआई रोड और न्यारी न्यारी ठोरा माथे खूबसूरती सु याने सजायो गयो है। इन बरस एमआई रोड री राइजिंग राजस्थान री थीम माथे सजायो गयो है। शानदार ढंग से हमने एमआई रोड को सजाया है। हर बार नई नई थीम के साथ सजाते थे, इस बार राइजिंग ऑफ राजस्थान की थीम, जिस तरह से वहाँ पर हमने कटआउट्स लगाए हैं, एमओयू जितने हुए हैं उनको दर्शाया है, और एक उनका लोगो कि जिस तरह से लोग यहाँ के आएंगे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है,
तीन किलोमीटर इस एरिए को हमने बहुत ही शानदार ढंग से एक रूपता में लिया है। 11,000 लट्टुओं की लड़ी पिरोई गई है और प्रत्येक अपने जो बोर्ड्स हैं उस पर हमने राइजिंग ऑफ राजस्थान का स्टिकर्स लगाया है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा मैसेज मिले सरकार को भी और आने वाले टूरिस्टों को भी कि लोग जो बाहर से आएँ वो एक जयपुर में सबसे बड़े बाजार को देखें, यहाँ से खरीदारी करें। दीपावली रो त्यौहार प्रदेश भर में उछावर सागर मनायो गयो। जयपुर में भी बड़ी संख्या में लोग पटाखा जलाया। पटाखा जलाबारे दौरान कई लोगों ने जलबारी घटनावां सामने आई है। सवाई मानसिंह सपा खानारा डॉक्टर राकेश जैन बताया कि अब ताई पटाखा सु जलबारा करीब 60-70 मामला सामने आया है, जारो बर्न वार्ड में इलाज चल रो है। हमारे पास अभी करीब 60 से 70 केसेस के बीच में आए हैं जो कि पुराने आंकड़ों से काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि पिछले सालों में यदि हम देखें, यदि कंपैरिजन करें तो एक बार ऐसा भी था जब 400 से 500 केस आया करते थे, और अब ये मीडिया की अवेयरनेस और कुछ लोगों में जागरूकता होने के कारण से केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। इनमें मेनली केसेस जो हैं वो आँखों के बर्न, जो पटाखे चलाते समय जो मैंने कल बताया था आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, उसके बावजूद भी कुछ लोग झुक के पटाखे चलाते हैं तो उससे आँखों में काफ़ी इंजरी हुई, तो उसके कारण से करीब 25 से 30 केस उसके आए हैं। और बाकी केसेस जो जनरल बर्न, हाथों में पटाखे चढ़ाने के कारण से और कुछ कपड़ों में आग लगने के कारण से, वो कुछ बर्न केस आए हैं। तो टोटल जो बर्न केसेस हैं वो 60 से 70 के बीच में हैं, परंतु अच्छा पार्ट ये है कि अभी तक जो भर्ती किया गया है उनमें से एक ही केस हमने बर्न में भर्ती किया है जो कि पटाखों से जला हुआ है, और एक केस हमने आँखों वाले ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट भर्ती किया है। तो ये सभी के लिए एक अच्छी बात भी है, और आगे भी यदि हम पूरी तरह सावधानी लेंगे तो हो सकता है इससे भी कुछ केस कम हो जाए। मैं अनार रख के जला रहा था और वो तुरंत चिंगारी भी नहीं पकड़ा, तुरंत वो जल गया और फिर सीधा ब्लास्ट हो गया, जला भी नहीं सीधा ब्लास्ट हो गया तो पूरे हाथ पे और चेहरे पे आ गया। एक्चुअली क्या है, बच्चा जनरली अनार फूट रहा था और मोस्ट प्रोबेबली कि अनार फूटता नहीं है ऐसे, तो ये जनरली उसको उसने आग लगाई और वो ब्लास्ट हो गया। उसने चिंगारी भी नहीं पकड़ी थी, इवन फुलझड़ी की तरह हमेशा अनार जलते हैं, लेकिन वैसे भी नहीं जला और ये जनरली उसने जैसे ही इसको लगाया और ये वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से इसके हाथ पे पूरा हाथ जल गया है, आगे के बाल, आईब्रोज के बाल, वो सारे इसके जल गए थे रात को। फिर हम लोग इमरजेंसी में गए तो उन्होंने जो जनरली ट्रीटमेंट होता है वो दिया, और उसके बाद में हम लोग अभी SMS आए, अब इसकी ड्रेसिंग होगी, ड्रेसिंग के बाद में एक दिन छोड़ के एक दिन हमें यहाँ पे वापस आना है। पटाखा छुटा रहा था जब वो के नाम वो है ना, वो पटाखे से आग लग गई, जो हाथ जल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु शुरू करी गई है उड़ान योजना, पर्यटन नगरी जैसलमेर री एयर कनेक्टिविटी खातर वरदान साबित हो रही है। जैसलमेर रो एयरपोर्ट देश का न्यारा न्यारा हल्का सो सीधो जुड़ रियो है। इनके साथ ही यो आर्थिक राजधानी कही जावा वाली मुंबई सो भी जुड़ गयो है। जैसलमेर रो एयरपोर्ट सैलानिया सो भरियो नजर आ रियो है। आम ट्रेवलर को इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि लो फेयर पे उनको एक शहर से दूसरे शहर के बीच में फ्लाइट कनेक्टिविटी मिल जाती है। बिल्कुल, ये बहुत ही अप्रिशिएबल स्कीम है और नो डाउट इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, विशेष करके आम ट्रेवलर जिनको एक शहर से दूसरे शहर के बीच में एयर कनेक्टिविटी मिल जाती है वो भी लो फेयर पे। तो डेफिनेटली ये स्कीम बहुत ही अप्रिशिएबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पहले ऐसा कहावत में कहा गया है कि जैसलमेर पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता था, जैसलमेर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन ये उड़ान योजना के तहत जब से हवाई सेवा शुरू हुई है तब से जैसलमेर पहुंचना बहुत आसान हो गया था। जहां पहले कई महीनों और दिनों तक जैसलमेर देखने का इंतजार करना पड़ता था, आजकल कुछ घंटे से ही जैसलमेर की दूरी को तय किया जा सकता। मेरा नाम रघुराम अंबाटी है, हम कर्नाटक रायचूर से आए हैं। हम डायरेक्ट फ्लाइट जैसलमेर टू हैदराबाद नहीं है, इधर हम बॉम्बे से फिर हैदराबाद जा रहे हैं। थोड़ा डायरेक्ट फ्लाइट रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, बॉम्बे तक मिल गया लेकिन उधर से फिर 3 घंटा क्या बोलते गैप है, फिर 3 घंटे के बाद फिर हैदराबाद को फ्लाइट। आई हैव कम फ्रॉम मुंबई वाया इंडिगो फ्लाइट। द कनेक्टिविटी फ्रॉम मुंबई टू जैसलमेर हैज बीन बेटर एंड सिंस दिस फ्लाइट हैज स्टार्टेड इट हैज कंज्यूमिंग लेस टाइम फॉर ट्रैवल
and I hope the tourists also find it more attractive and visit Jaisalmer more often if the flights are on a regular basis. Bombay se yahan aaya hu. Actually, I am from Bangalore. Se. Bangalore to Bombay, Bombay to Jaisalmer. Connectivity बहुत अच्छी है. 12 घंटे में हम अपने घर से यहाँ पहुँच गए हैं. 12 क्या एक्चुअली ट्रैवलिंग देखा जाए तो 8-10 घंटे का ही है. बहुत अच्छा रहा सफर. जहाँ पे जहाँ कनेक्टिविटी तो चाहिए ना. अगर पूरा टूरिस्ट को और बढ़ाना पर्यटक को बढ़ाना है तो कनेक्टिविटी तो बहुत ही जरूरी है. तभी लोग आ जा पाएंगे आसानी से. तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना और अच्छा है. काफ़ी मिलेगा. काफ़ी दूर दूर से लोग डायरेक्ट जैसलमेर में आ सकेंगे. तो काफ़ी अच्छा है. अजमेर किशनगढ़ एयरपोर्ट ने केंद्र सरकारी उड़ान योजना में भेलो कर बारे पाछे स्थानीय नागरिका ने घनी सुविधा मिल बारे सागे ही एयरपोर्ट माथे हवाई उड़ाना रे सागे यात्रियारी संख्या में भी इजाफो भी है. बठीने सैलानियारो कहना है कि अजमेर रे नजीक एयरपोर्ट होबा सू टेमरी बचत भी वैरी है. शेखावाटी इलाका में हवेलियां सू भरियो एक छोटो और मनोरम नगर है मंडावा जो आपरी ओपन आर्ट गैलरी रा नाम सू विश्व प्रसिद्ध है. थाने बतावा के अठेरी प्राचीन हवेलियां और वारी चित्रकला ने देखबा देशी विदेशी सैलानी अठे आवे है. एक रपट. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में हवेलियों से भरा एक छोटा मनोरम कस्बा है मंडावा जो अपने ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी विश्व प्रसिद्ध है. यहाँ पर साल भर देसी विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है. मंडावा कला प्रेमियों के लिए भी एक जीवंत कस्बा है. यहाँ के जो खासियत है वो ये है कि यहाँ की हवेलियों पे वीति चित्र मंडे हुए हैं और जो कि आज से 100-150-200 साल पुराने हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलरफुल है. इन सबको देखने के लिए यहाँ पर देश विदेश से प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. लगभग अगर संख्या को देखें तो विदेशी लगभग 40,000-50,000 प्रतिवर्ष विदेशी सैलानी यहाँ पर मंडावा में विजिट करने आते हैं. और काफ़ी संख्या में हवेलियाँ हैं, पुराने कुएँ भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं और इन सबको इन सब के कारण और विदेशी आने के कारण यहाँ काफ़ी हेरिटेज होटल भी खुल गए हैं और इन सब की वजह से जो पर्यटन बढ़ा है इसकी वजह से लोगों को जो मंडावा के लोग हैं इनको रोजगार में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है. इन पेंटिंग्स को बनाने में जो रंग इस्तेमाल किए जाते थे वे शुद्ध प्राकृतिक हुआ करते थे. करीब 150-200 साल पुराने इन हवेलियों की दीवारों, मेहराबों, खम्बों पर बने भीति चित्रों की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है. इन चित्रों में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के प्रसंग बहुत बारीकी से चित्रित किए गए हैं. कुछ हवेलियों में राजस्थानी लोक कथाओं, पशु पक्षियों, धार्मिक रीति रिवाजों, आधुनिक रेल जहाज, मोटर, ईसा मसीह आदि का चित्रण रंगों के माध्यम से किया गया है. कहते हैं कि हवेलियां जिस दौर में तैयार हुई उस दौरान यहाँ आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि किसकी हवेली कितनी शानदार होगी. कला प्रेमी अपनी हवेलियों के सौंदर्यीकरण में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे. मंडावा पर्यटक नगरी है. यहाँ की हवेलियाँ देखने के लिए फेमस है. यहाँ की जो फ्लेक्सो पेंटिंग है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंटिंगों में है. जो 100-150 साल पुरानी है उसका आज भी कलर वैसा ही है. यहाँ मंडावा में कई हवेलियाँ हैं जिनके चित्र इतने जो कल्पना लोगों ने की थी उस जमाने में, जैसे ट्रेन बनाना, उसके बाद हवाई जहाज का आविष्कार करना 100 साल पहले, और मतलब ये एरोटिक पेंटिंगें बनाना हवेलियों पर, मतलब यहाँ के सबसे फेमस है हवेलियाँ ही हैं यहाँ से. ऐसा माना जाता है कि मंडावा पुराने सिल्क रूट पर पड़ने वाला मुख्य व्यापारिक केंद्र था. यहाँ देसी विदेशी सैलानी हर समय आते रहते हैं और यहाँ की खूबसूरत हवेलियों को अपने कैमरे में कैद करते हैं. बॉलीवुड के बड़े बड़े निदेशकों ने यहाँ अपनी फिल्मों की शूटिंग की है. आज भी इन हवेलियों की
भीति चित्रों को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक निरंतर आते रहते हैं। मंडावा हवेलियों का शहर है और यहाँ सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ जो सेठ साहूकार हैं उन्होंने बनवाई थी और इनकी जो हवेलियाँ हैं जो करीब 200, 250, 180 साल पुरानी हवेलियाँ हैं, जो फॉरेनर जो टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं वो यहाँ की विशेषता जो है वो भित्ति चित्र है। ये ओपन आर्ट गैलरी के नाम से और यूरोप में फेमस है और यहाँ बहुत सारे यूरोपियन टूरिस्ट हैं जो देखने के लिए आते हैं। मंडावा में बहुत सारे टूरिस्ट फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश काफ़ी आते हैं। 1981 में पहला राइटर आया था जर्नलिस्ट अमरनाथ फ्रांसिस, उसने यहाँ के बारे में किताब लिखी थी। और मंडावा में 98 हवेली है यहाँ पे, तो बहुत सारे कॉरपोरेट टूरिस्ट बहुत आते हैं। फॉरनर्स पर डे 500 टूरिस्ट आते हैं। 26 से 27 होटले हैं यहाँ पे, 5 से 6 होटले तो लग्जरी होटल है यहाँ पे, बाकी हेरिटेज हवेलियों में कन्वर्ट किया गया है होटल को। सेठ साहूकारों का इलाका मंडावा अपनी भीति चित्रकारी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग्स 200 साल पुरानी हैं, लेकिन इनकी चमक आज भी नई जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खैरथल तिजारारा बीबी रानी हल्का माए दो मोटरसाइकिलारी भिड़ंत में 3 युवक री मौत वैगी, जबकि एक दूजो युवक गंभीर रूप से घायल वैग्यो, जिनरो इलाज रेवाड़ी रा सफाखाना माए चाल रियो है। बीबी रानी रा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ब्रिज सिंह बताया कि फतेहाबाद निवासी योगेश और नितेश दीपावली रो सामान लेबा बाजार गया हा। इन दौरान सामे सो आ रही मोटरसाइकिल री भिड़ंत री वजह सो दोनों दोस्तों रे सा गए, दूजी बाइक माथे बैठिया युवक री भी मौका माथे मौत वैगी। तेज सिंह पुत्र लालचंद, उम्र 48 साल, रेजिडेंस बोलनी, पुलिस थाना किशनगढ़ वास, एक मृतक ये था। और दूसरे योगेश कुमार पुत्र श्री पप्पूराम, उम्र 22 साल, निवासी फतेहाबाद, पुलिस थाना कोट का सिंह। इनको दो एक्सीडेंट थे, कल बताया गया था 31 तारीख को, और आज पोस्टमार्टम करके उनको उनके परिवारजनों को आईओ के मार्फत सुपुर्द कर दिया है। और अब मौसम की खबर। प्रदेश के बत्ती ठोरा माथे रावतरा तापमान माए कमी हो बसु सुमार है और सिंजा सर्दी रो असर वैरियो है। लाला 24 घंटा माए बत्ता शहरा माए कमू कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस सु कम दर्ज करियो गयो है। सबो कम तापमान माउंट आबू माए 11.4 डिग्री सेल्सियस रियो, वठी ने अलवर रो कमू कम तापमान 17.4, चूरू रो 16.8, सिरोही रो 14.6 और फतेहपुर सीकर रो 13.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। राजधानी जयपुर रो बत्तो तापमान 35.4 और कमो कम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहो। इनके सागे ही बाड़मेर और बनस्थली टोंक माए बत्तो तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात रा पिराना माए कचरा सू ऊर्जा बनाबारा राज्य रा सबू बड़ा संयंत्र रो उद्घाटन करिया। 1000 मैट्रिक टन कचरा सू रोजाना 15 मेगावाट बिजली बनाई जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुरा सांगानेर माए राख्या दीपावली स्नेह मिलन समारोह माए शिरकत करी, कया देश रो चहुमुखी विकास सरकारी प्राथमिकता। प्रदेश में 7 सीटा माथे उबावाड़ा विधानसभा उपचुनाव माए कुल 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान माए। दौसा और खींवसर विधानसभा हल्का माए सबू बत्ता 12-12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रिया है। भारतीय रेलवे IRCTC रे जरिए सू नया टिकट बुकिंग नियम आज सू लागू करिया, 60 दिन पहली रिजर्वेशन टिकट बुक वे सकेला। और प्रदेश के बत्ती ठोरा माथे तापमान माए कमी हो बासू सर्दी रो असर बढ़ो, सबू कम तापमान माउंट आबू माए 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो।